और हम चाहते हैं कि एक ऐसी नियोजन नीति बने जिसमें झारखंड के झारखंडियों का भला हो और जो लोग यहाँ रहते आए हैं सदियों से उनका उनको नौकरी मिले, उनको स्थानीयता का महत्व मिलते हुए उनकी नौकरी सुरक्षित हो। केंद्र सरकार की नीतियाँ ऐसी रही और अर्थव्यवस्था ऐसी चौपट हो चुकी है कि रोजगार देना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब आप ये कहेंगे कि सरकार क्यों नहीं रोजगार दे सकती है, तो सरकार के पास भी कहीं ना कहीं साधन का अभाव हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मांडर विधायक बंधु तिर्की समेत वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता आज नेतरहाट में चिंतन शिविर को लेकर बिशुनपुर पहुंचे, जहां पर कांग्रेसियों ने उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए जीएन भारत के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत और सशक्त करने के लिए 3 दिवसीय चिंतन शिविर नेतरहाट में आयोजन करने जा रही है, जिसे लेकर आज हम लोग नेतरहाट पहुंचे थे। इस चिंतन शिविर में झारखंड के सभी कांग्रेसी विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे और संगठन को मजबूत करने पर गहन चिंतन मंथन की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक सवाल पर कहा कि चाहे वह स्थानीयता मुद्दा हो या भाषाई विवाद, संगठन जल्द समाधान निकाल लेगी। वहीं झारखंड के बेरोजगार युवकों की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि सभी को नौकरी दे पाना संभव नहीं है, लेकिन संगठन युवाओं को भी उनके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए कई कदम उठाने जा रही है। तो आइए जानते हैं राजेश ठाकुर ने जीएन भारत के साथ बातचीत में क्या कहा। कार्यक्रम है, देखिए हम लोग अभी चिंतन शिविर करने जा रहे हैं और 17, 18, 19 को चिंतन शिविर करना है, तो उस मद्देनज़र हम लोग नेतरहाट भी आए थे कि नेतरहाट भी यहाँ कैसी जगह है, क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे चिंतन करेंगे, तो उस संदर्भ में हम लोग दौरा किए हैं और एक दो जगह हम लोग देख रहे हैं कहाँ हो सकता है बढ़िया से। नेतरहाट हम प्रायोरिटी मानते हैं, नेतरहाट अच्छी जगह है और यहाँ पर एक सही माहौल है चिंतन का, तो उसका हम लोग सदुपयोग करना चाहते हैं और एक दो जगह और लोग बता रहे हैं। अब जहाँ इस पर सहमति बनेगी तो 17, 18, 19 को हम लोग इस पर यहाँ पर जुट करके चिंतन मनन करेंगे। जो चिंतन शिविर होगा उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और गंभीरता के साथ होगी, किसी की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार हमारी है, गठबंधन हमारा है, तो हमारी बातें लोगों को सुननी ही पड़ेगी। देखिए स्थानीय नीति का दुर्भाग्य ये है कि जब भी कोई चीज़ होता है तो उसमें कोई ना कोई खामी बता दी जाती है। अब अबुआ राज है, सबकी अपनी सरकार है और इसमें भी अगर कोई त्रुटि हो तो ये ठीक नहीं है। हम लोग सभी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि एक ऐसी नियोजन नीति बने जिसमें झारखंड के झारखंडियों का भला हो और जो लोग यहाँ रहते आए हैं सदियों से उनका उनको नौकरी मिले, उनको स्थानीयता का महत्व मिलते हुए उनकी नौकरी सुरक्षित हो, हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी संजीदा हैं, कांग्रेस पार्टी इन बातों को लेकर के शुरू से संजीदा रही है कि किसी की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। सर अभी आप तुरंत कांग्रेस आलाकमान से मिल के आए हैं, सर क्या संदेश देंगे झारखंड का, क्या मैसेज? देखिए उन्होंने साफ कहा है कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, संगठन सर्वोपरि है, जो कार्यकर्ता वर्ष से काम करते आए हैं वो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि पहली बार 21 वर्षों के बाद हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का काम 20 सूत्री के माध्यम से किया और वो आगे जारी रहेगा। अभी निगरानी समिति बननी है, 15 सूत्री बनना है, तमाम ऐसे जगहों में कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जाएगा ताकि कार्यकर्ता जो जनता के बीच काम करते हैं वो जनता को सरकार की योजनाओं को का लाभ ईमानदारी से दिला सके, ऐसे कार्यकर्ताओं का ख्याल रख करके उनको बनाया जाएगा। सर युवा वर्ग सड़क पर हैं, बहुत आक्रोश है सरकार को लेकर, इतना सोच के सरकार बनाया था युवाओं ने, आज उनका देखिए केंद्र सरकार की नीतियां ऐसी रही और अर्थव्यवस्था ऐसी चौपट हो चुकी है कि रोजगार देना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब आप ये कहेंगे कि सरकार क्यों नहीं रोजगार दे सकती है,
तो सरकार के पास भी कहीं ना कहीं साधन का अभाव हुआ है, क्योंकि उद्योगों का बहुत बुरा हाल है। कोई उद्योग ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। जब से नोटबंदी हुई, तरह तरह के आर्थिक फैसले लिए गए और उन फैसलों का नतीजा ये हुआ कि सारी मार जो है बेरोजगारों पर पड़ी है, युवाओं पर पड़ी है। वरना हम लोग चाहते थे कि भाई सरकारी के साथ साथ प्राइवेट उद्योगों में भी लोगों को नौकरी मिले, और उद्योग को लाने के लिए लगातार हेमंत सोरेन जी और हमारे तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि बहुत जल्द इन सारे मामलों से पर्दा उठेगा। नियुक्तियां निकलनी शुरू हो गई है, स्थानीय नीति तय होने के साथ साथ नियुक्ति भी निकलेगी। और हम समझते हैं जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था, 2021 जो वर्ष है, ठीक है कोरोना के कारण दिक्कत हुई है, लेकिन हम समझते हैं 2022 जो है नियुक्तियों का वर्ष होगा। सर, एक मंत्री पद खाली है अभी तक, कितना दिन हो गया सरकार बने? नहीं, 5 साल पहले भी मंत्री पद खाली रहा है। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और अगर जनता पे किसी मंत्री का बोझ नहीं पड़े तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर 11 मंत्री से काम चल जा रहा है तो सिर्फ मंत्री बनाने के लिए मंत्री नहीं बनना चाहिए, जरूरत के हिसाब से बनना चाहिए। जब सरकार को ऐसा लगेगा, मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगेगा कि मंत्री 12वां होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो राज्यपाल जी से बात करके मंत्री का शपथ ग्रहण कराएंगे। थैंक यू सर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।